Dear students, good morning. Welcome in my physics class. Myself S.N. Tiwari from Jagatjit Inter College, Ikona, Sravasti. Today topic is conical pendulum, sunk roller. Get ready for it. Let us start. मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ाया था। हमने बताया था कि जब कोई पिंड या वस्तु या कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक समान वृत्तीय गति से गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक फोर्स कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण के बारे में भी बात हुआ था। आज हम लोग बात करेंगे डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। जब पिंड का भार नागण्य नहीं है अर्थात संकुलोलक, तो संकुलोलक कैसे बनता है, संकुलोलक किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बर्थडे पार्टी में टोपी आती है, वो जो टोपी आती है वो संकुलोलक के आकार की होती है। संकुलोलक के ही आकार की वो शंकुआकार होती है टोपी। शंख की आकृति के बारे में आप लोग जानते हैं कि शंख का मतलब इस तरीके की आकृति का होता है, ऐसे आकृति होती है शंख की। अब यहां भी क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि जब डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, जब पिंड का भार नागण्य नहीं है अर्थात संकुलोलक, इसी को हम क्या कहेंगे, संकुलोलक कहेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी गति कैसे होगी, ये मान लीजिए एक धागा है और इस धागे की लंबाई क्या है, इस धागा मान लीजिए हमने क्या, जब किसी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर, ये हमारा एक पिंड है, चाक का टुकड़ा, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक कण है। तो जब किसी कण या पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाते हैं तो पिंड का भार सदैव अभिकेंद्र बल के लंबवत रहता है। पिंड का जो भार होता है, देखिए इसको आप ऐसे घुमाएंगे क्षैतिज वृत्त में किस तरीके से, ऐसे। अब इस स्थिति में जब यह घूम रहा है, ऐसे देखिए वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है एक समान चाल से, आप देख रहे हैं। तो जब यह ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे तब इस तरीके के पथ पे वृत्तीय गति कर रहा है तो इसका जो अभिकेंद्र फोर्स होगा ये हमारे उंगली की दिशा में, यानी अभिकेंद्र फोर्स इस तरफ कार्य करेगा केंद्र की ओर, इसका केंद्र यही कहीं पे होगा और भार इसका कहाँ कार्य करेगा, नीचे, यानी भार एमजी नीचे कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल इस तरफ कार्य करेगा। ये आप देखेंगे इस स्थिति में ये अभिकेंद्र बल की दिशा हो जाएगी, ये भार की दिशा हो जाएगी। तो भार जो होता है वो अभिकेंद्र बल के लंबवत रहता है तथा डोरी एक शंकु निर्मित करती है। देखेंगे आप ये क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, शंकु निर्मित करती है। इस समायोजन को संकुलोलक कहते हैं, इसी समायोजन को हम क्या कहते हैं, संकुलोलक कहते हैं। तो संकुलोलक क्या होता है, जब किसी डोरी के एक सिरे से किसी पिंड अथवा कण को बांधकर क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाया जाता है तो पिंड पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल जो होता है वो सदैव भार के लंबवत होता है। इस स्थिति में डोरी एक शंक निर्मित करती है, इस समायोजन को शंक लोलक कहते हैं। शंक लोलक आपके समझ में आ गया होगा। अब संकुलोलक के गति के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कैसे गति करेगा और इसका अगर कोई वस्तु
संकुलोलक के रूप में गति कर रही है, तो आप क्या क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस सारी चीज़ों का बात हम सारी चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे। तो देखिए इधर माना हमने कि स्मॉल यंग द्रव्यमान का एक पिंड या कण स्मॉल यंग लंबाई की डोरी के एक सिरे से बंधा है और क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल आर। वृत्ताकार पथ की क्या है त्रिज्या स्मॉल आर है, और ये कण क्या है ऐसे जब क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है तो एक समान चाल बी से घूम रहा है। किस चाल से घूम रहा है, एक समान चाल से बी से घूम रहा है। देखिए अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए घूमे ना, और जब ये घूमेगा तो अपने ऊर्ध्वाधर से कुछ कोण बनाएगा, तो जो कोण बना रहा है वो कितना है थीटा, वो कोण कितना है थीटा है। तो इसको चित्र में बना लिया जाए, ये हमारा कोई दृढ़ आधार है, ये हमारा कोई दृढ़ आधार है, इससे ये पिंड ऐसे होगा जब गति नहीं करेगा बांध करके, ये डोरी है और ये द्रव्यमान का पिंड है, लटक रहा है इस स्थिति में। अब जब ये क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, क्षैतिज वृत्त में घूमने का मतलब ऐसे आप देख लीजिए, ये दृढ़ आधार से बना हुआ है और ऐसे घूमे, देख रहे हैं हम ना, क्षैतिज दिशा में वृत्त बने ये। तो अब क्या होगा, अब इसको आगे आप देखेंगे, ये क्षैतिज दिशा में वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। अब ये घूमता हुआ कण यहां पे, जब यहां पे आएगा ये इसी वृत्ताकार पथ पे घूमता, किसी क्षण यहाँ पे भी होगा, इसे इधर भी आएगा। अब ये डोरी जब एक कण यहाँ पे है, ये जो डोरी की लंबाई इस समय जब ये कण यहाँ पे है, तो इसका भार mg कहाँ कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। अब देखिए भार इसका mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। दूसरी बात और आप देख लीजिए, ये जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, इसकी त्रिज्या रेडियस इतना है, इसमें r, इस डोरी की लंबाई क्या है यल, ये जो डोरी यहां से यहां तक की है इसकी लंबाई क्या है यल है। अब डोरी की लंबाई स्मॉल यल है, तो इसका जब भार mg नीचे कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर, तो डोरी में तनाव की कहां कार्य करेगा ऊपर की ओर, और ये डोरी जो है अपने ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बना रही है थीटा बना रही है, तो ये डोरी में तनाव की है। अब देखेंगे इसके भार mg को क्या करेंगे, सॉरी इसके तनाव की को हम दो लंबवत घटक में वियोजित करेंगे। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर अंदर की तरफ क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, ये डोरी की लंबाई यह है। अब देख लीजिए यहां पर, यहां से और यहां तक की डोरी की लंबाई यह है, ये वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, भार mg नीचे कार्य कर रहा है, इस तनाव की डोरी में ऊपर की ओर कार्य कर रहा है दृढ़ आधार की ओर, तनाव की को मतलब ये डोरी जो है जब ये पिंड वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो डोरी अपने ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रही है, टी को दो लंबवत घटक में वियोजित कर ली, तो ये टी कॉस थीटा इसके भार mg को संतुलित कर रहा है, और टी साइन थीटा जो है इसको घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। अब इसका यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इसका यहां पर वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिए इधर चित्र से वृत्त की त्रिज्या तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यहां पर देखिए कोण थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे सॉरी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका हो जाएगा लंब, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कांत, और ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी कांत, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा
साइन थीटा। अब देखिए पिंड पर कार्यकारी बल, तो देखिए इधर पिंड पर या कण पर कार्यरत बल कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। एक नंबर पिंड या कण का भार, पिंड या कण का भार mg, पिंड या कण का भार mg। और दूसरा नंबर डोरी में तनाव t। जब ये पिंड क्षैतिज वृत्त में घूमेगा, ये मान लीजिए ऐसे है, ये जब ऐसे घूमेगा क्षैतिज वृत्त में इस तरीके से, तब यहाँ पे इसका भार मान लीजिए किसी क्षण ये यहाँ पे है, तो इसका भार mg नीचे कार्य करेगा और डोरी में तनाव t कहाँ कार्य करेगा, ऊपर की ओर। तो इस पर दो बल कार्य करेंगे, पिंड का भार mg नीचे की ओर और डोरी में तनाव t दृढ़ आधार की ओर, ये भार ऊर्ध्वाधर नीचे काम करेगा एकदम। अब देखिए इधर तनाव टी को दो लंबवत घटकों टी साइन थीटा व टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा व टी कॉस थीटा में वियोजित करते हैं, जो तनाव है टी उसको दो लंबवत घटक में टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा में वियोजित करते हैं। अब देखिए इधर, चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, देखिए आप ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड कोई गति नहीं कर रहा है, तो कोई त्वरण नहीं है, तो आप आगे क्या लिखेंगे, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, तब आगे हम लिखें, जल्दी से इसको आप नोट करिए। तो तनाव टी को क्या किया, दो लंबवत घटक में वियोजित किए टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। अब चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है, अतः टी कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, mg के। टी कॉस थीटा बराबर mg, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। दूसरा नंबर समीकरण क्या है, क्षैतिज घटक टी साइन थीटा, ये जो क्षैतिज घटक आप देख रहे हैं टी साइन थीटा, ये पिंड या कण को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, यही क्या देता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल देता है। तो आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे तथा टी साइन थीटा पिंड को क्षैतिज वृत्त में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अतः टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा
जब केंद्र बल क्या होता है एम बी स्क्वायर बटे आर होता है, तो टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे आर के। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण दो मान लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग कर देंगे। समीकरण दो को समीकरण एक से भाग करने पर, ये जो हमारा समीकरण दो है इसको समीकरण एक से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जो समीकरण दो को समीकरण एक से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, t sin थीटा बटे t cos थीटा बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर, आर नीचे आ जाएगा और mg हो जाएगा, m से m कट जाएगा, t से t कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan tan थीटा बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे आर जी, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे आर जी। अब देखिएगा इसको समीकरण क्या मान लेंगे, तीन मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, तीन मान लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, आप देखिए ये जब tan थीटा बराबर b स्क्वायर बटे आर जी मिल गया, आगे हम क्या करेंगे, माना कि पिंड, माना कि पिंड स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर टी समय, स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, अतः अतः चाल, पहले ही बताया था कि एक समान चाल b से वृत्ताकार पथ पे क्षैतिज वृत्त के रूप में घूम रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना, एक चक्कर पूरा करने में दूरी 2 पाई r है, वृत्त की परिध बटे समय t, बटे समय क्या हो जाएगा t। अब आगे हम क्या करेंगे, b का यह मान समीकरण तीन में रखने पर, बी का यह मान समीकरण तीन में रखने पर, ये जो बी की वैल्यू है इसको समीकरण तीन में रख दिया जाए, तो समीकरण तीन क्या है, tan थीटा बराबर बी स्क्वायर पर आर जी। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर बटे r g। देखिए tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटे, ये टी नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर आर जी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब जब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो चित्र को हम निकाल देते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर, और अभी हमने निकाला था शुरू में r बराबर यह साइन थीटा, r बराबर
क्या निकाले थे, यल साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल साइन थीटा बटे टी स्क्वायर जी। ये साइन थीटा कट जाएगा, टी स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो टी स्क्वायर बराबर फोर पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा को यहाँ भेज देंगे बटे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, ये टू पाई स्क्वायर को दूंगा चार, पाई का स्क्वायर दिखाएंगे पाई हो जाएगा अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये जो सूत्र हमको मिला है इससे अगर कोई पिंड क्षैतिज वृत्त के रूप में घूम रहा है अर्थात संकुलोलक निर्मित कर रहा है तो उसके आवर्तकाल का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं यह क्या है, धागे की लंबाई है, थीटा क्या है, पिंड का ऊर्ध्वाधर से बनने वाला कोण है और जी को आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है। अब यहाँ पे एक बात और बहुत स्पष्ट है कि टी का मान जो होता है वो यल तथा थीटा दोनों पर निर्भर करता है, यल तथा थीटा दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यल, टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कॉस थीटा दोनों के ऊपर निर्भर करता है और जी के मान पे भी निर्भर करता है। जी के मान के तो व्युत्क्रमान पाती है लेकिन उसके यल और कॉस थीटा के समान पाती है। तो ये एक उदाहरण था वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल के, अभिकेंद्र बल कैसे कैसे कहाँ मिलता है। अब और देखिए प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति, हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी सूर्य के परितः घूमती है अतः इस पर भी एक अभिकेंद्र बल लगता है जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर रहती है। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के परितः लगभग एक वृत्तीय पथ पर घूमती है तथा उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। परमाणु में वृत्तीय गति, परमाणु में नाभिक के परितः वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इनके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है यानी अभिकेंद्र बल चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। अब जब वह वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उनको भी आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि नाभिक पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है अतः इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। यही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है वही इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमारे देखिएगा और देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया सुझाव अवश्य दीजिएगा। यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद। शुभ दिन।